उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आज अनियंत्रित बस ने दो स्कूटी सवार युवकों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी सवार दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बस चालक बस छोड़कर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने रोड पर शवों को रखकर जाम लगा दिया और मुआवजे की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। जाम खुलवाने को लेकर परिजनों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। खतौली पुलिस और एसडीएम खतौली ने मौके पर पहुंचकर मुआवजा दिलाने का आश्वासन देकर जाम को खुलवाया। वहीं पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से दीपक वत्स की रिपोर्ट। आज कस्बा खतौली में सुबह 10:30-11 के बीच में एक रोडवेज बस से एक स्कूटी की टक्कर हो गई। स्कूटी पर 2 बच्चे थे, उन दोनों का दर्दनाक मौत हो गई है इस हादसे में। आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है, बस मौके पर पकड़ ली गई है और वहाँ कुछ लोगों के द्वारा रोष व्यक्त किया गया है इस दुर्घटना को लेकर। दर्दनाक हादसा था, लोगों की मांग थी मुआवजे वगैरह की, तो वहाँ पे क्योंकि संबंधित SDM क्षेत्राधिकारी मौके पे हैं और वो लोगों को समझा बुझा रहे हैं, बाकी आगे की कार्रवाई की जा रही है।